Hello everyone, IGC Apoor welcome you all to another interactive session of Prevent the Sugar Rush. Today we have Dr. Tanuja Gohane with us, who will be talking about importance and role of Ayurveda detox in diabetes management. So, hello doctor. Hi Apoor. So, शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि Ayurveda detox जो शब्द है, उसका मतलब क्या होता है? Okay. सो एक्चुअली डिटॉक्स ये टर्म बहुत लोग जानते हैं क्योंकि दुनिया में अभी तरह तरह के डिटॉक्स करने लगे हैं. डिटॉक्स के बेसिकली जो टाइप्स आप जानते हैं, जो जूस फास्ट करके डिटॉक्स करते हैं, फास्टिंग करके डिटॉक्स करते हैं, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं. बट जिस डिटॉक्स की हम बात करने जा रहे हैं वो एक आयुर्वेदा साइंटिफिक डिटॉक्स है, जिसे हम पंचकर्मा भी कहते हैं. तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बताना चाहे तो आपके पास तो कार होगी, आपके घर में बाइक भी होगी, और आप हर 2-3 महीने में आई गेस बाइक और कार की सर्विसिंग करते हैं, क्योंकि उसके इंजन में कार्बन जमा हो जाता है, टॉक्सिन जमा हो जाते हैं. सेम केस हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी मशीन की तरह ही है जो कंटिन्यूसली वर्क में रहती है, काम में रहती है. एंड जिस तरह की लाइफ स्टाइल अभी हम लोग फॉलो करते हैं, जिस तरह का डाइट पैटर्न, जिस तरह का स्लीपिंग रूटीन हमारा है, तो इस सभी के वजह से हमारी बॉडी में भी टॉक्सिन एक्यूमुलेट होने लगते हैं, कार्बन एक्यूमुलेट होने लगता है. तो इसको रिमूव करने के लिए डिटॉक्स प्रोसीजर्स करनी पड़ती है. एंड अगर हम इसे रिमूव नहीं करते तो यही टॉक्सिन्स आगे जाके बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कॉज फैक्टर होते हैं, जैसे कि डायबिटीज. सो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था डिटॉक्स के बारे में. सो डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, सो जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए हमने किस तरह का डिटॉक्स प्रेफर करना चाहिए आपके हिसाब से? ओके. सो बेसिकली अगर डायबिटीज की बात करें स्पेसिफिकली, या किसी भी डिजीज की बात करें, तो हर एक पेशेंट अलग होता नहीं है. अगर मैंने डायबिटीज के ही 3 पेशेंट लिए, एक पेशेंट राजस्थान से, एक पेशेंट केरला से है, और एक पेशेंट अगर नागपुर से है. राजस्थान में नेचर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे बहुत ड्राइनेस और हीट रहती है. नागपुर के लोगों के खाने में साउजी फूड, जो बहुत स्पाइसी और नॉनवेज ऐसी चीज़ें होती है. एंड जो सीशोर के पास रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे चावल, फर्मेंटेड फूड, इडली, डोसा, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है, और वहाँ का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा ह्यूमिड होता है. तो जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल हर जगह पे बदलता है, हमारा फूड पैटर्न हर जगह पे बदलता है, तो उसी तरह डायबिटीज के पॉजिटिव फैक्टर्स भी हर जगह पे चेंज होते हैं. सो किसी भी पर्सन को, डायबिटिक पर्सन को, अगर हम ट्रीटमेंट देने की बात करें, डिटॉक्स करने की बात करें, सबसे पहले हमें स्टडी करना होता है कि उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उनका फूड पैटर्न क्या है. आयुर्वेदा में हमारी प्रकृति, मतलब हमारी बॉडी टाइप को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो हमें पेशेंट की बॉडी टाइप पे भी ध्यान देना होता है कि उनका बॉडी टाइप क्या है. तो उसके अकॉर्डिंग एंड पेशेंट के सिम्टम्स, ओवरऑल उसकी बॉडी की कंडीशन, उनका मेटाबॉलिज्म, इन सब चीज़ों को देख के हम उस पेशेंट के लिए डिटॉक्स चूज करते हैं. डिटॉक्स मे बी ऑफ वेरी टाइप. बेसिकली डिटॉक्स में 5 मेन प्रोसीजर्स आती है, एंड उसके अलावा बहुत सारी ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हम अलग अलग पेशेंट में अप्लाई कर सकते हैं. तो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि डिटॉक्स डायबिटीज के लिए इसी स्पेसिफिक टाइप का डिटॉक्स होगा. हर पेशेंट के लिए जैसे हमारी प्रकृति अलग है, हर एक इंसान की उसी तरह की ट्रीटमेंट भी अलग अलग हो सकती है. सो डॉक्टर, मुझे इतना समझ में आ चुका है कि आप ये कहना चाहते हैं कि लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी बीमारी में. तो आप ये भी कह रहे हैं कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है. यस. सो आपका क्या कहना है एक बैड लाइफस्टाइल के ऊपर, जो आजकल बहुत लोग मोस्टली टीनेजर्स फॉलो करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली टीनेजर्स ही नहीं, बट हमारे इंडिया में नियर अबाउट 75% डिसीजेस ऐसे हैं जो नॉन कम्युनिकेबल है, जो हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिसे बोलते हैं. हमारी एक ना नेचर की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसके हिसाब से हमें हमारी बॉडी अलाइन करनी है. नेचर में जो भी चेंजेस होते हैं सेम चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा मॉडर्न कल्चर फॉलो करने लगे हैं, एंड हम वही चीज़ें फॉलो करते हैं जो थोड़ा सा हमें मॉडर्न बनाती है, या हमारे फूड पैटर्न, हमारे स्लीपिंग पैटर्न, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है. तो अगर हम ये सब लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आप फ्यूचर में जाके किसी भी एक लाइफस्टाइल डिसीज के शिकार बन सकते हैं. लाइफस्टाइल डिसीज इसमें हार्ट डिसीज, लंग डिसीज, किडनी डिसीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOD, ऐसे बहुत सारी चीजें आते हैं. डायबिटीज ऑल्सो वन ऑफ देम, ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ देम. और ये सब चीजें अगर आपको जिंदगी में फेस नहीं करना है तो मेरा एक सजेशन है, आयुर्वेदा में एक चीज बताई है कि ऋतु शोधन, मतलब सीजनल डिटॉक्स. हमारे यहाँ पे 3 सीजन्स होते हैं, समर, विंटर एंड रेनी सीजन. इन तीनों सीजन जब चेंज होते हैं वन सीजन टू अनादर, तो उसके बीच में पीरियड आता है जिसे इंटर सीजनल पीरियड बोलते हैं. फर्स्ट सीजन खत्म हो रहा है, सेकंड सीजन स्टार्ट हो रहा है. इस सीजन के
बीच में जो पीरियड है, इस पीरियड में अगर आप डिटॉक्स करते हो तो आपकी बॉडी तंदुरुस्त रह सकती है, आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो ये मेरा एक सजेशन है आप सब लोगों के लिए कि साल में एक बार आप किसी भी वैद्य को, डॉक्टर को विजिट कीजिए, उन्हें बताइए कि आपकी कंप्लेंट्स क्या है, आपकी बॉडी टाइप क्या है, और आपके लिए जो पंचकर्मा सूट करता है, जो डिटॉक्स सूट करता है, वो डिटॉक्स साल में एक बार जरूर करवाइए। सब्जेक्ट टू दैट आप उसके बाद एक अच्छी और प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करो, ताकि आप एक अच्छी और तंदुरुस्त लाइफ जी पाओगे और डायबिटीज जैसे बहुत सारे हार्मफुल डिजीजेस को टैकल कर पाओगे। सो डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि खान पान और मॉडर्न लाइफस्टाइल भी जो हम फॉलो करने की चाह में है, जो मोस्टली हम लोग जो है एक लाइफस्टाइल के पीछे हम देख रहे हैं और उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारा उठपटांग खाना पीना हो गया, हमारा रहना सहना हो गया, हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी लेते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हम उसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। अगर हम पंचकर्मा की बात करते हैं तो आज तक आपने जो भी चीजें की है, आपके बैड लाइफस्टाइल हो, आपके फूड पैटर्न्स हो, उसके वजह से जो भी आपके बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस है, जो भी टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हुए हैं, हम आपकी पूरी हिस्ट्री इरेज कर सकते हैं। बट इसका फायदा तभी होगा जब आपकी इच्छा है कि आप इसके आगे एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हैं, तो जरूर आप डिटॉक्स कीजिए और उसके आगे की लाइफ आप बहुत अच्छी तरह से जी पाओगे। क्या बात है डॉक्टर, तो आपने काफी बातें बताई जो हमारे एज के या फिर किसी भी एज ग्रुप के लोगों को काफी बेनिफिट करेगी। सो आई होप गाइस आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हो और आपको काफी नई चीजें सीखने मिली हो यहाँ से, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर, जैसे कि डॉक्टर ने कहा है कि सीजन के बीच में जो पीरियड होता है डिटॉक्स कराइए उस समय में, तो मैं चाहूंगा कि आप उस समय डिटॉक्स कराएं और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे कमेंट बॉक्स में नीचे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।